नमस्कार, एपी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। पहले पूरे संत के सत्संग सुनते रहने से सभी तरह की जानकारी लोगों को होती रहती थी, जो आज भी संभव है। शेर के समान संतों का निशाना नहीं चूकता। सत्संग मिलने से पशु से इंसान और फिर देवता बन जाता है। आजकल चारों तरफ फैली अशांति, झगड़े, झूठ का बोलबाला आदि समस्याओं के मुख्य कारण को रेखांकित करने वाले और उनके उपाय को भी बताने वाले इस समय के महान समाज सुधारक महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 2 जनवरी 2022 को उज्जैन आश्रम में दिए सत्संग में बताया कि पहले सत्संग जब आदमी सुनता रहता था तो हर तरह की जानकारी प्राप्त हो जाती थी। लोक परलोक बनाने की, गृहस्थ आश्रम चलाने की, आत्मा परमात्मा की और आत्मज्ञान की भी। बताए हुए युक्ति के अनुसार जब आदमी काम करने लगता है तब बोध ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, प्रभु कौन है। जब अनुभव हो जाता है तब विश्वास हो जाता है। जैसे बच्चे को जानकारी कराई जाती है, ऐसे ही सत्संग में व्यक्ति को भी सभी तरह की जानकारी कराई जाती है। संत सत्संग से बदलाव ला देते हैं, जानवर से मानव फिर देव बना देते हैं। सदगुरु से जब जानकारी मिलती है तब देवताओं से भी आगे मनुष्य निकल जाता है। आप भी सुनिए पूरे संत का सत्संग, मिलना क्यों जरूरी है। सत्संग जब आदमी सुनता रहता है तो हर तरह की जानकारी प्राप्त हो जाती है। लोक बनाने का, परलोक बनाने का, गृहस्थ आश्रम का जो फर्ज होता है उसकी भी जानकारी हो जाती है, आत्मा परमात्मा की भी जानकारी हो जाती है और आत्मज्ञान भी होता है। बताए हुए युक्ति के अनुसार जब आदमी काम करने लगता है तब बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, प्रभु कौन है। सुन करके आदमी को अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है, तब उसको विश्वास हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि बर्फ़ ठंडा होता है और बर्फ़ के ऊपर आप हाथ न रखो तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितना ठंडा होता है। आप तो जैसे ठंडी हवा चलती है या हाथ पैर जैसे ठंडी में ठंडे हो जाते हैं इतना ही समझोगे, लेकिन बर्फ़ तो बहुत ठंडा होता है, ज़्यादा देर आप हाथ पैर रख नहीं सकते हो। ऐसे ही अनुभव में जब कोई चीज़ आ जाती है तब उसके लिए आदमी को विश्वास हो जाता है। तो जो संतों का सत्संग होता है, जो पूरे गुरु का सत्संग होता है, हमारे गुरु महाराज जैसे पूरे संत थे उनका जो सत्संग रहा, उससे बहुत लोगों के अंदर परिवर्तन आया। देखो, जब यह वर्ण व्यवस्था बनी थी तब उस समय पर यानी समझो कि आज की तरह से जैसे जात पात और ये जो बात जितने चल रहे हैं ये नहीं थे, अपना अपना काम लोग करते थे, उसको अपना धर्म समझते थे। ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? ऋषि मुनियों ने बनाया था। वो जो उनको आवाज़ ब्रह्मा के मुंह से सुनाई पड़ी थी और उनको आदेश हुआ था कि तुम इनको सुना दो, इनको समझा दो, उसी आधार पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दिया था। 4 वर्ण बनाया था, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये लोग अपना अपना कर्तव्य का पालन करते थे, इनकी जो ड्यूटी थी उसको करते थे। तो ऐसे तो बच्चा पैदा जब होता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो उसके लिए कहा गया जन्मते जायते शूद्रा संस्कारा उच्चते और वेद पाठी भवेत विप्रा और ब्रह्मजानस्य ब्राह्मणा। ब्रह्म तक का ज्ञान उनको रहा, उसके आगे का नहीं। वो तो कलयुग में आए, जब संत आए तो आगे का भेद खोला। तो उस वक्त पर जो सवर्ण कहा जाता था, जो ब्राह्मण कहलाते थे, वो ब्रह्म को जानते थे,
ब्रह्म के पास आते जाते थे, ब्रह्म की शक्ति को प्राप्त करते थे। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो कोई ज्ञान नहीं रहता है, कुछ नहीं। उसको ज्ञान कौन देता है, कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं, परिवार के लोग सिखाते हैं, आसपास के लोग सिखाते हैं, विद्या गुरु उनको बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। फिर जब आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं तो ऊपर का ज्ञान कराते हैं। तो शुरू में तो समझो कि कोई जानकारी नहीं रहती है। जैसे आप ये समझो कि उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे जानवर होते हैं, पशु जिनको कहा जाता है, उनको बुद्धि नहीं होती है, ऐसे ही समझो कि आप बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है। बच्चे के सामने अभी अगर आप नाग सांप जिसको कहते हैं ला करके ऐसे खड़ा कर दो, बैठा दो, लेटा दो, तो बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि ये जहर है, ये हमको काटेगा तो हम मर जाएंगे, उसको भी पकड़ करके वो खेलने लगेगा। इसी तरह से उनको भी ज्ञान नहीं होता है, पशुओं को भी ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान यानी ऐसे बच्चे को नहीं होता है, जिनको जानकारी नहीं होती है उनको जानकारी करानी पड़ती है। तो सत्संग के द्वारा जानकारी कराई जाती है, सत्संग के द्वारा बताया जाता है। जब सत्संग मिल जाता है, पूरे गुरु मिल जाते हैं, तब कहा गया है कि पशु से आदमी बन जाता है। आदमी का मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, किस तरह से मनुष्य को रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें धार्मिक किताबों में मिलती हैं। इसको लोग सुनाते हैं, पहले वो सुनाते थे, अब तो ढोलक मंजीरा किस्सा कहानी सुना करके लोगों का मनोरंजन कर देते हैं। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुना करके और प्रवचन को ख़त्म करते हैं। ज्ञान वाली बातें, जो प्रयोग वाली बातें हैं, जिससे आदमी शरीर से सुखी रहे, जिससे आत्मा को शांति मिले, वो बात कम मिलती है। लेकिन जो संत होते हैं वो अपने निशाने के पक्के होते हैं, उनका निशाना कभी भी चूकता नहीं है। आप ये समझो कि जैसे शेर का निशाना नहीं चूकता है, ऐसे संतों का निशाना नहीं चूकता। उनका निशाना क्या होता है कि काल के चाल से, काल के गाल से जीवों को निकाल करके और जीवों को घर पहुंचाना, यह संतों का निशाना हुआ करता है।